सो यू गाइज एंड वेलकम बैक। आज मैं नारुतो के बारे में बात करने वाले कि वो कैसे तुम्हारे ड्रीम्स को फुलफिल या फिर पूरा करने में मदद कर सकता है, मतलब नारुतो में से कैसी क्या मतलब क्या खास बात है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर तुमने नारुतो नहीं देखा है तो तुम लोग के पास वेबसाइट है, तुम लोग इंटर किए बहुत कमाल करने की वेबसाइट होगी, तो तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। या फिर मेरे एक बहुत ज़्यादा प्यारे एंड बहुत अच्छे एक बहुत स्मार्ट एंड बहुत अच्छा मेरे दोस्त है, मेरे भाई जैसा दोस्त है, उसने मुझे वेबसाइट दी थी जो बहुत अच्छा है, मैं उसके पास ट्रस्ट करता हूँ, तो उसने मुझे अच्छा आइडिया है। तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, तुम वहाँ से भी देख सकते हो। तो उनको क्रेडिट ज़्यादा थैंक्स, उनका चैनल भी बहुत अच्छा क्वालिटी वीडियो बनाता है, तो देखना। और कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, कभी इंग्लिश डब या फिर इंग्लिश डब में बहुत चला जाता है, तो मैंने कुछ चैनल्स को भी फॉलो किया था, जैसे कि बीस फैंटास्टिक या फिर एनिमेस्ट टू एक्सप्लेन, तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी में देते हैं यूट्यूबर है और बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी करता है, जिससे तुम्हें बहुत कुछ समझ में भी आ सकता है। तो तुम उनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही कमाल के क्रिएटर्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वैसे मैं क्या बोलने वाला था, पढ़ के रहा था, तो छोड़ो मैं फालतू की बकवास फिर चेक करने लग जाऊंगा। तो अभी हम लोग ये बात करने वाले कि नारुतो में खासियत क्या है। तो देखो, नारुतो में इतनी ज़्यादा सीखने लायक चीज़ें हैं ना, मैं बहुत कुछ, जैसे कि देखो लाइफ में डिसअपॉइंट हमेशा होगी तुम लोग, पर यही डिसअपॉइंट में अगर तुम लोग हार ना मान के तुम लोग फिर से कोशिश करो और अपनी कमियाँ को ठीक करो, तो तुम लोग बहुत कुछ बेहतरीन कर सकते हो और तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम डिसअपॉइंट हो गए। क्योंकि लाइफ में डिसअपॉइंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब धक्का लगता है, जब डिसअपॉइंट फील होता है, मतलब मैं काम नहीं कर पाया है, तभी तुम और बेहतर कर पाते हो। इसलिए लाइफ में डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं नारुतो में बहुत बार दिखा भी गया है, तुम लोग देखोगे तो तुम समझ जाओगे। और साथ ही साथ मैंने नारुतो से और एक बात सीखी है जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है, जैसे कि लाइफ इज ऑलवेज अनएक्सपेक्टेबल। मैं शायद मना चाहूँ, फिर से मैंने कुछ स्पेलिंग वेलिंग गलत बोल देगा तो सॉरी। तो देखो, लाइफ हमेशा तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देता है जो तुम कभी सोचते तक भी नहीं हो, मतलब तुम सोच कुछ रहते हो और होता कुछ और है। मतलब कहने का मतलब यही है कि हम लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कुछ बहुत ज़्यादा ही मिल जाएगा, पर कभी कभी हमें नहीं मिलता है, पर कभी कभी हम लोग कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते पर उससे भी हमें कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है। तो एकदम लास्ट और सबसे लाइफ की अच्छी बात जो मैंने नारुतो से सीखी है और जो तुम्हारी ड्रीम को पूरा करने में बहुत हद तक मदद भी कर सकता है, मतलब बहुत ही हद तक, वो है स्माइल करना। और स्माइल करने का मतलब ये है कि तुम कितनी बार भी क्यों हार मत, मतलब हार क्यों ना लो या फिर कितना भी तुम दर्द में क्यों ना हो, तुम्हें दिल से हमेशा खुश होकर हंसते रहना चाहिए। मतलब तुम रो लो, मतलब बहुत देर दुख भी मना लो, फिर एट लास्ट में जाकर हंस देना चाहिए। डिप्रेशन 2-3 दिन तक कभी भी नहीं रखनी चाहिए। हाँ, तुम 1 घंटे 2 घंटे या फिर 1 दिन भी दुखी रहे, पर उसके बाद तुम्हें दिल खोल के हंसना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मुंह से तुम दिखा रहे हो कि हंस रहे हो पर दिल से तुम खुश नहीं हो, ऐसा नहीं, एकदम दिल और एकदम मुंह से हंसते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि यार लाइफ एक बार ही मिलती है। और देखो, नारुतो ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात सिखाई, अगर तुम रोते हो तो तुम कायर हो, मतलब अगर तुम कुछ करते ही नहीं हो, मतलब समझो कि तुम आज ये काम नहीं कर पाए, तुम फेल हो गए और तुम रोते हो, तुम बार बार भी करते हो तब भी हारते हो, फिर लास्ट में रोते हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, तुम कायर हो। पर अगर तुम हार नहीं मानते हो और हंसते हो, मतलब इन्हें फेल होने के बाद भी हंसते हुए फिर से उठते हो ना, तो तुम एक हीरो हो। तो ऐसी कई सारी बात है जो मैं नारुतो में दिखाई गई है, और सही बात है, कभी और दिन बात करेंगे इसे और एक वीडियो में। तब तक अपने दांतों को लगा लो, अगर तुम्हारे दांत नहीं है, मैं फालतू के जो फिर से मानने वाला हूँ, तो ठीक है, डायलॉग को शुरू करते हैं। अगर तुम्हारे दांत नहीं है तो दांत लगा लो, क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ दत्ते बायो।